सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूज माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ रियलमी के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों, अगर बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो है यहाँ पर रियलमी के सी सीरीज का। ये जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी का C3। यहाँ पर दोस्तों, इस स्मार्टफोन के ऊपर काफी समय से काफी सारे लीक्स और एक्सपेक्टेड फीचर्स यहाँ पर निकल करके आ रहे थे, लेकिन आज फाइनली यहाँ पर कंपनी ने इस स्मार्टफोन की जो लॉन्च डेट है इंडिया के लिए, कन्फर्म लॉन्च डेट वो यहाँ पर कन्फर्म कर दी है। आपको बता दूं, यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में 6 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। और फाइनली यहां पर इस स्मार्टफोन की जितने भी फीचर्स हैं वो सभी कुछ यहां पर निकल करके आ चुके हैं। क्या कुछ फीचर्स है, क्या कुछ प्राइसिंग है और क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको यहां पर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेंगे, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूं इसी नए स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में और यहां पर इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, इसके साथ साथ प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में 6 फरवरी 2020 को लॉन्च होने जा रहा है दोपहर के 12 बजे, 12:30 बजे। और यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स की बात करता हूं फ्रंट साइड से, तो एक वाटर ड्रॉप 9 इंच पे डिजाइन वाला जो डिस्प्ले है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर इस स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है वो भी काफी प्रीमियम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। डायमंड शेप में डिजाइन तो मुझे नहीं लगता यहां पर देखने के लिए मिलेगी, यहां पर प्लेन डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। फ्रंट साइड से बात करता हूं, तो यहां पर अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच का एक IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा वाटर ड्रॉप 9 इंच डिजाइन के साथ में। यहां पर इस स्मार्टफोन की और भी डिटेल की बात करता हूं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है इस स्मार्टफोन की प्राइस को देखते हुए। यहां पर आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो है मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर, जो कि यहां पर आपको रेडमी के 9 में मिलने वाला था, जैसा कि मैंने आपको यहां पर सारा चीज बताया भी था। तो यहां पर मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर कैसा निकल करके आता है, कैसा इस प्रोसेसर की एक्सपीरियंस है, इसको तो हम यहां पर फोन लॉन्च होने के बाद ही यहां पर बता सकते हैं। बात करता हूं रैम वेरियंट की, तो 3 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज की स्टार्टिंग वेरियंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कैमरे क्वालिटी की बात करता हूं, तो पीछे के साइड डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा। जो मेन सेंसर दिया गया है वो है 12 मेगापिक्सल का। हालांकि यहां पर कैमरे में थोड़ा सा और अपग्रेड यहां पर करना चाहिए था रियलमी को, यहां पर आज के ट्रेंड को देखते हुए और यहां पर आज के मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए। यहां पर बात करता हूं फ्रंट साइड से, तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में यहां पर दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी की बात करता हूं, तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि नॉन रिन्यूएबल है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। पीछे की साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहां पर इस स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूरे फीचर्स जो कि यहां पर आपको Realme के C3 में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करता हूं फाइनली इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहां पर इस स्मार्टफोन के जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज यहां पर देखने के लिए मिलेगा, वो कुछ आपको 6000 रुपए में यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ लीक यहां पर निकल करके आया है। अब हालांकि दोस्तों, जैसे ही यहां पर इस स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा 6 फरवरी को, तब हम यहां पर जान पाएंगे इस स्मार्टफोन का कंफर्म प्राइस क्या है। और यहां पर उसी समय आप यहां पर इस स्मार्टफोन को अगर परचेस करना चाहते हैं तब जाकर यहां पर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आगे होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।